हेलो जी नमस्कार, कैसे सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास जगह। चलिए आज का जो टॉपिक है भैया वो है लिंग निर्धारण। क्या भैया? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण क्या होता है ध्यान समझिएगा। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब लिंग निर्धारण क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं जो डिटेल में। इसे बोल सकते हैं इसकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा। ये होता है, ठीक भैया? अब देखो, जिसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले पक्षियों में लिंग निर्धारण। किसमें भैया? पक्षियों में लिंग निर्धारण। नंबर एक बात करते हैं किसमें? पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक भैया, पक्षियों में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। तो पक्षियों में किस तरह का लिंग निर्धारण होगा? ठीक है भैया, आप समझ लीजिए जो पक्षी में होता है लिंग निर्धारण वो किस प्रकार से होता है। तो ध्यान समझिएगा, बोल सकते हैं कि जो नर पक्षी होता है, नर पक्षी, वो नर पक्षियों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं, और मादा पक्षी जो होते हैं उनके जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो असमान होते हैं। तो इस प्रकार बोल सकते हैं नर पक्षी समयुग्मकी और मादा पक्षी विषमयुग्मकी होते हैं। तो जैसे समझ लेते थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो नर पक्षी होता है, नर पक्षी, ठीक भैया, और इस तरफ क्या होती है? मादा पक्षी, मादा पक्षी। अब नर पक्षी जो लिंग गुणसूत्र होता है भैया क्या होता है, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, नर क्या होता है? इस समयुग्मकी किस होते भैया? समयुग्मकी होते हैं, समयुग्मकी। और ये क्या होता है? विषमयुग्मकी होता है, विषम युग्मकी। ठीक भैया, क्या होता है? नर पक्षी जो होता है समयुग्मकी और मादा पक्षी विषमयुग्मकी। इसके जो जीन होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होता है, इसके लिए हम समयुग कैपिटल जेड, कैपिटल जेड, इसके लिए क्या होता है? कैपिटल जेड और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक भैया, ये हो गया। अब इनके बीच अगर क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस करने के बाद जो उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको जान लेते थोड़ा सा। देखो, क्रॉस कराएंगे ऐसे, यहाँ से आएगा तो यहाँ से क्या आएगा? जेड, कैपिटल जेड। एक क्रॉस यहाँ से करवाएंगे, यहाँ से क्या आएगा भैया आपका? यहाँ पर जेड। ठीक है, अब इसका क्रॉस जो यहाँ पर कराएंगे, क्या कराएंगे भैया? इसे क्रॉस यहाँ से जाएगा तो क्या आएगा भैया? ऊपर से कैपिटल जेड, और यहाँ से आएगा क्या आएगा भैया? डब्लू आएगा। क्या आएगा? डब्लू, कैपिटल डब्लू। तो इस प्रकार से अब इसको यहाँ से फिर से क्रॉस कराएंगे, यहाँ से कैसे आएगा भैया? कैपिटल जेड, और यहाँ से क्या आएगा? जेड। क्या आएगा भैया? जेड। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा, इसका भी क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से क्या आएगा? जेड, और ऊपर से क्या आएगा? डब्लू। क्या आएगा भैया? डब्लू। ये तो अब जो यहाँ पे जनन हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है भैया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो होगा ये और ये क्या होंगे दोनों? ये दोनों क्या होंगे भाई? कौन से पक्षी होंगे? नर पक्षी, या नर संतति बोल सकते हैं, नर पक्षी होंगे, क्योंकि भैया नर पक्षी। और ये दोनों क्या होंगे आपके? ये दोनों, ये और ये क्या होंगे भैया आपके? मादा पक्षी होंगे। ये सब क्या होंगे? मादा पक्षी। ठीक है, इस तरह से पक्षियों में होता है लिंग निर्धारण। इसे आप आसानी से इतना नोट कर सकते हैं। ठीक भैया, नोट कर लीजिए फटाक से।